और आज पाजी बड़ी ताकत होती है शुक्रवार तक, सोमवार से चलते चलते शुक्रवार जब आ जाता है तो पाजी लगता है कि बस मामला बन गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तीनों लोगों का, जो आज आपने यहाँ पे स्वर लहरियां बिखेरी उसका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है तमाम सारे लोग यहाँ पे अपना अपना एजेंडा, अपनी अपनी बात कहने के लिए आते हैं, और इस प्रोग्राम ने अगर एक चीज की है वो ये कि एक तो बात जरूर की है वो ये कि आम लोगों को, आम तमाम सारे लोगों को एक जबान दी है, जबान तो पहले भी थी, एक प्लेटफॉर्म दिया है, और तमाम लोग अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और वो तमाम सारे लोग जिनको लगता है कि हेल्प मिल सकती है, हालांकि हेल्प वाला पोर्शन मैं सबसे पीछे रखता हूं, लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं अपनी बात कहते हैं। मुझे मालूम है कि कल जो खुशबू आई थी जिसकी आंख का ऑपरेशन होना था, मुझे अपडेट करना है। अपडेट ये है कि कई लोगों ने आगे बढ़ के कहा है कि हम ऑपरेशन उसका करवा देंगे, और लोगों ने कहा कि सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ दिन पहले एक लड़की और आई थी और उसका भी ऑपरेशन था आंख का। मैंने कहा हाँ जी, उसके लिए भी कुछ बातचीत चली है, और दोनों लड़कियों का ऑपरेशन मैं आपसे वादा करता हूं कि जरूर होगा और जो बेस्ट पॉसिबल होगा। खुशबू के केस में खुशबू खुद डॉक्टर के पास गई हैं, उनके तीन ऑपरेशन हो चुके हैं, एक ऑपरेशन का पैसा उनको चाहिए, वो पैसा बहुत जल्द दिया जाएगा। यहां पे एक शख्स मौजूद है जो रोज शो में आते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बताइएगा, मैं इतना पैसा दूंगा, इतना फला पैसा दूंगा, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। वो शख्स यही मौजूद है, अभी भी मौजूद है, रोज देखता हूं मैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग हैं, मैं एक बात जरूर कहता हूं, ये सिस्टम बेहतर हो, इस सिस्टम में लोग बेहतर हो, तमाम लोग एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो यकीन मानिए भैया जी कहीं इनके शो का, और मैं भी रिटायरमेंट लूं, अपने घर जाऊं, अपने बच्चों के साथ रहूं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। नहीं 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 कुछ, अरे साहब जीवन 17 बरस तो यही बोलते बोलते हो गया, कहां से आए साहब आप? कानपुर से आए। अरे कानपुर वाला आदमी तो बहुत बोलता है यार, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर है जी, क्या बात है, कहाँ काम कर रहे हैं जी? अभी नोएडा सेक्टर 63 में। क्या शुभ नाम है आपका? विजय त्रिपाठी। विजय त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आप जैसे नवयुवकों की, जब आप मिलते हैं शो में आते हैं तो एक प्रेरणा देते हैं और लगता है कि नहीं बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। आज का मुद्दा आप जानना चाहेंगे, मेरा मुद्दा क्या है, मैं आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा। आज का मुद्दा है रोजी रोजगार और रोटी। यस, तो ऐसा कहा बोले आज का मुद्दा क्या, बोले आज का मुद्दा रोजी रोजगार और रोटी, बोले आज का मुद्दा क्या, बोले हिंदू मुसलमान राम मंदिर, बोले नहीं अजब है। मैं बताऊं आपसे, मैं बताऊं आपसे, आम आदमी रोजी रोजगार रोटी, नवयुवकों को कैसे रोजगार मिले, वो लोग जो तमाम इम्तहान दे चुके हैं और इम्तहान का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके लिए मुद्दा यही है, यही है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो उधर बैठे हैं कहां स्टूडियो के अंदर, वो तमाम पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, वो ये सोचते हैं ना किसी तरह से मुर्गे का जो है लड़ाई बराबर होती रहनी चाहिए, और हाँ टीआरपी बड़ा अच्छा, सब टीआरपी सब जानते हैं। तो बहरहाल मेरा मुद्दा यही है रोजी रोजगार, और आज तो प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि आज जो स्टेप्स लिए गए हैं 28 दिन के अंदर 5 स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स, उनसे रोजगार बढ़ेगा। अब उस मुद्दे पे बोलने के लिए तमाम सारे लोग यहां पे बैठे हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जनता की तरफ, हाँ मैं आता हूं जनता की तरफ मुखातिब हो जाता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने पूछा नहीं है जनता से, और जनता कहती है ये मेरा शो है तो मुझसे पूछा जाना चाहिए। जी कहां से हैं? मैं नूरपुर विधानसभा से आया हूं। नूरपुर, बिजनौर? बिजनौर। अच्छा जी, जी क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम वकील अहमद है। वकील अहमद साहब बोलिए। मेरे सर 3 मुद्दे हैं। हाँ जी, मोदी जी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। हाँ हाँ, आज का जो हाल है बेटी का वो जानवरों से भी बदतर कर दिया है नेताओं ने। एक बेटी जी जी के मर रही है और एक बेटी सांस ले रही है, एक को इंसान नहीं मिला और एक हॉस्पिटल में पड़ी है। तो मोदी जी सबको देखें और सबकी आवाज को बुलंद करें, और ये जो विकास की बात करती हैं, विकास की बात जो करते हैं ना, विकास आज के टाइम में 0 हो चुका है, रोजगार है ही नहीं। वकील अहमद साहब आपकी बात मेरे सरमाते, तमाम बातें जो हैं बहुत सही कही जाती हैं, बहुत अच्छी बातें कहती हैं, जो आम आदमी कहता है जो सोचता है वही वहां पे सामने रखता है। लेकिन एक बात बताएं, लोगों ने कहा कि हर मर्ज का जो इलाज है वो मोदी जी हैं, अगर छींक आई तो मोदी जी,
तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों ना हो, आपने ही वोट मांगा था, आप ही लोगों ने कहा था, तो मोदी जी हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि बेहतर तरीके से कैसे बात रखी जाए, बेटर पर्सपेक्टिव जो कहते हैं पर्सपेक्टिव, वो कैसे आए, कैसे रखा जाए, ये भी एक सवाल है। उधर बात थी, मैं इधर आता हूँ। जी जी कवि महोदय, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी बोलिए। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं हाउडी मोदी के लिए। हाँ जी, हाउडी मोदी तो मैंने कहा ही नहीं अभी। हाँ, अरे रुको 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 कवि जी, तुम्हारी बात रुक सकती है अभी, हाउडी मोदी तो कहा ही नहीं। और एक बात तो ये जो बच्चा बैठा है, अच्छा हो गया ना इलाज तुम्हारा? हाँ जी हो गया। हाँ 10-4 को बुलाया है इसको। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा इलाज हो गया एम्स में। दर्जन में भेजा था एम्स ने। नहीं, एडमिट कहाँ थे? एम्स में। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप तो उस तारीख को आना फिर। जी हाँ कवि जी, जी मैं पूछूंगा जी। तो अभी हाउडी मोदी होने वाला है, देश का भारत का बेटा अमेरिका में परचम लहराएगा। इसके पहले भी एक बेटा था, मैं 4 पंक्तियों से संकेत देता हूँ कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। क्या हो रहा है कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारत वर्ष हमारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारत वर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, मोदी जी प्रतिमान है, आदर्श विवेकानंद हमारे। क्या बात है कवि। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम हैदर अली है जी। हाँ हैदर अली जी, क्या बात है, बहुत अच्छा है हैदर अली जी। दो बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए। कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे वो। लेकिन उन्हें दो चीजों पर और ध्यान देना है, एक तो बेरोजगारी पे और एक जो मंदी की मार है उसके ऊपर वो दे मोदी जी को खास तौर पर ध्यान देना है, बाकी सब तो ठीक है। भारत माता की। क्या बात है हैदर अली साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं पटना से हूँ, मैं यहाँ पे कैनरा बैंक में एम्प्लॉयड हूँ। कहाँ पे? ओखला ब्रांच। ओखला में। अच्छा अच्छा, तो कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मैं ये कहूँगी बेरोजगारी में ही रोजगार छुपा है, और सिर्फ हम मोदी जी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हम खुद भी अपने आप को इतना मोटिवेट करें, एजुकेटेड करें, ऐसे बने कि हम नेशन में खुद ही इतना एम्प्लॉयमेंट फैला सके, खुशी फैला सके और अपनी खुशियाँ खुद ही हम छीने। व्हाई वी आर जस्ट फॉलोइंग, वी जस्ट फॉलो आवर सेल्फ। जी सिर्फ मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमको खुद भी चीजें तलाशनी होंगी और कुछ भी रोजा। पटना से मैं आ गया हूँ। जब तुम आंख ऐसे से कर रहे थे ना, मैं उसी में पकड़ लेता हूँ। 40 सेकंड लगता है बस देखने में कि आदमी आ रहा है किधर से, एकदम तूफान मेल बना चला आ रहा है। पहले इंतजार करो, सब्र रखो, नंबर आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं आ गया। कॉमरेड बैठो। जी मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, और आज का मुद्दा है रोजी रोजगार और रोटी। सवाल यह था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कॉरपोरेट टैक्सेस कम हुए हैं उससे रोजगार बढ़ेगा, तमाम अवसर पैदा होंगे और चीजें बेटर मूवमेंट होगा, यानी रास्ता सही होगा। और इसका रिस्पांस जो होता है, अगर लोग कहते हैं मार्केट वाले तो मार्केट जानते हैं, सेंसेक्स आज में से कुछ लोग जानते भी होंगे, बाकी बेहतर लोग तो बैठे हैं वहां देख रहे हैं, उसका रिस्पांस आया 2000 पॉइंट ऊपर हो गया। जी मैं आता हूं, लेकिन सवाल यह है कि इससे तो पेट नहीं भरा, सेंसेक्स से पेट भरता तो मामला बन जाता, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे पास कब आएगा। और वो खास तौर से सवाल बना हुआ है जो तमाम नौकरियां हैं, उन नौकरियों पे फैसला कितनी जल्दी हो, जो हमारे नौजवान हैं उनके पास कैसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बात पर हम बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ कराता हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर जमा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष वॉइस ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु गुप्ता हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाई राखी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ उमांग जी, और हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु भी, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत तशरीफ रखें। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले शांतनु जी मैं आपसे बात का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा कि कैसे बेहतर स्थितियां बने। तो उसका एक ये भी कहा कि कॉर्पोरेट में जो भी टैक्सेस था उसको कम किया, तमाम सारे लोगों ने कहा कि इससे नौकरियों के अवसर बनेंगे और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा।
देखिए पहले हमें समझना होगा कि नौकरियां आती कहां से हैं। हमें ऐसा कुछ ऐसी आशंका है कि केवल नौकरियां सरकार पैदा करती है। भारत में केवल 2% नौकरियां हैं जो सरकार पैदा करती है, बाकी जो 98% नौकरियां हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड या प्राइवेट वर्ल्ड पैदा करता है। तो आपको प्राइवेट वर्ल्ड को आसानी देनी पड़ेगी, जितनी कंपनियां फ्लरिश होंगी उतनी वो आपके जॉब लगेगी, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स हो जो हम 150 बोआ करते थे अब 50 के अंदर आ गए हैं, चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स हो। तो पहले हमें मानसिकता से बदलना पड़ेगा। मात्र थोड़ी सी नौकरियां हैं जिसके लिए लोग रिश्वत भी देते हैं और कैसे उनमें पहुंचते हैं, केवल वही नौकरियां नहीं और वो भी नौकरियां कम होती जा रही हैं। सरकारी नौकरियां कम होंगी वर्ल्ड ओवर, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। आप भी देख रहे हैं जैसे गार्ड हैं हर जगह वो आउटसोर्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाए वहां भी गार्ड आउटसोर्स है, वहां पर भी लोअर रैंक आउटसोर्स होती जा रही है। तो पहले हमें समझना होगा कि सरकार ही केवल, जैसे किसी दर्शक ने भी कहा आपके व्यूअर ने भी, कि केवल सरकार ही नौकरियां नहीं देगी, हमें खुद को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, जो हमारी स्पिरिट है भारत देश में। हम पेटीएम, हम इंफोसिस, हम विप्रो क्यों नहीं बनते, हम केवल नौकरी। हाँ जी हाँ जी, ये सरकार किस लिए जब नौकरियां नहीं दिला सकती तो? हाँ मैं आ रहा हूँ, आपका आ रहा हूँ, आप खड़े रहे, ये नहीं आपका पूछो तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड मतलब आज मैं रुको मैं आ रहा हूँ। मैं आज एक गांव से हूँ, मेड़ता सिटी, मीरा की नगरी, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। कोई अमिताभ बच्चन से मिलकर खुश होता है, मैं मेरे भैया से मिलकर खुश। थैंक यू सो मच भाई। मैं आपके मीरा की एक तस्वीर भी लाया हूँ। मीरा की तस्वीर? हाँ, क्या बात है। मैं अभी वो या तो शो के बाद दूंगा क्योंकि लोग कहेंगे आप फोटो के लिए आया साला। बस आप मीरा की तस्वीर दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और लेना चाहता हूँ। मैं लालची आदमी हूँ जो आखिर में शब्द लगाया था सा के बाद बड़ी आ और ला, वो छोड़ दीजिएगा। चलो छोड़ दिया। मैं अपने पॉइंट मुद्दे पाता हूँ। मुद्दे भाई, मैंने कहा कि इसमें चार पूजा की तस्वीर भी है जी। मैंने कहा कि बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड मतलब आज मेरे गांव के अंदर कि मतलब ऑनलाइन 10 प्रोडक्ट आते हैं सर, ऑनलाइन 10 प्रोडक्ट आते हैं ऑनलाइन। आपके गांव में? मेरे मोहल्ले के आसपास 10 प्रोडक्ट आते हैं। मैं मेरे कंप्यूटर का काम है सर, और मैं डाकघर का काम करता हूँ, पेंटर रिपेयरिंग जो भी होता है, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि नाप तोल हुआ जो भी, मतलब 10 प्रोडक्ट ऑनलाइन आते हैं। बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो गया सर, बिजनेस का ट्रेंड। कोई नाम बताया आपने? कृष्णकांत दैया नाम है मेरा। कृष्णकांत दैया साहब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी जी, आप दे दीजिए फोटो मुझे। हाँ मैं खिंचवा लेता हूँ। ये आप देखिए, ये ऑनलाइन हो गया है साहब। ये जो फोटो है ये सामने होना चाहिए। बिल्कुल ये फोटो ऑनलाइन हो गया। थैंक यू सो मच दैया साहब। नहीं सर, दैया साहब थैंक यू सो मच। कहना चाहता हूँ जबरदस्त आदमी है दैया साहब, ऐसे मार्केटिंग के आदमी हैं आप। नहीं गजब के आदमी। मेरा के जी जी, मैं आया दैया साहब, थैंक यू सो मच। सवाल ने कहा कि ट्रेंड बदल गया है बिजनेस का, और आप 5 या 6 ऑनलाइन इनके आसपास मोहल्ले के लोग आते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैं नौजवान मौजूद है, लेकिन एक बात आपने कहा कि सरकार किस काम के लिए है, इन्होंने कहा वही बात बता रहे हैं, वही इसका इशारा कर रहे हैं कि बदलता। सरकारी कंपनी नहीं है अमेरिका में, केवल भारत में ही। ये देखिए बहुत पुराना नेहरूवियन सोशलिस्ट हैंगओवर है हमारे ऊपर जी, हम सोशलिस्ट के जमाने में है और लोगों में ही बस गया है कि सरकार माई बाप है, सरकार नौकरी देगी, सरकार केवल व्यवस्था करेगी। मैं ये कह रहे हैं सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। मुझे लगता है संतोष गंगवार ने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे जो युवाओं में वो योग्यता ही नहीं है, नौकरी तो दूर की बात है। जब ये कहते हैं योग्यता ही नहीं है, ऐसी सरकार से आप ऐसी उम्मीद करेंगे? दोबारा उन्होंने इसको ठीक भी किया। नहीं सरकार से ये उम्मीद। माननीय गंगवार जी ने ये कहा था कि स्किल्स के ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, और भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। हमारी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और $5 ट्रिलियन का हमने अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। और देखिए, अरे सर 2008 को याद कर लीजिए, जब आपकी 5% GDP थी और 14% इन्फ्लेशन रेट और डिफिसिट रेट 14% थी। आज 3% इन्फ्लेशन रेट है और 3% फिजिकल डिफिसिट रेट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए प्रतीक भाई एक बात, मैं देखिए ना तो सुनिए, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं ऑफकोर्स मतलब सिर्फ सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए, ना तो इस देश में दलित खतरे में, ना इस देश में संविधान खतरे में, ना इस देश में मुसलमान खतरे में। 60 सालों से जो लोग दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान खतरे में। और मैं कमिंग जी
जी जी कहाँ से? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं युवाओं से ये अनुरोध करूंगा और जो कि सत्ताधारी दल है उनके नेताओं से कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि स्वरोजगार उत्पन्न करने के ज्यादा से ज्यादा चांस हो और युवाओं को भी सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। खुद नौकर पैदा करो, खुद कारपोरेट पैदा करो, ऐसा काम करो कि लोगों को और रोजगार और जो है। अच्छा एक काम करिए, पहले तो मोबाइल और पैसा ढंग से रखिए। पैसा भी गिर रहा है, मोबाइल भी गिर रहा है, दोनों चीजें ठीक से रखिए जी। कहाँ से हैं आप? प्लीज कम फॉरवर्ड। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से, वेरी गुड। तो आप ऐसे घूमने आए थे? Yes. क्या देखा और क्या कोई इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है जो वांट टू आस्क? नो नो। आप? अभी कोई सवाल नहीं, अभी सब बंद है, मुंह वाले सब बंद है, सब बंद है। ये राजनीति है, पॉलिटिशियन है, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, लेकिन ये सवाल भी है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हाँ जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो जब जानती है तो फिर बोलती भी है, जानती भी है तो बोलेगी भी। ऑफकोर्स, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। या बोलती कम है, झगड़ती ज्यादा है। दैट्स गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? सना। सना, सना कहती है, बोलती है और बोलने के साथ झगड़ा भी करती है। ऑफकोर्स मैं आया सर, आई एम कमिंग सर जी। सर ऐसा है, मोदी जी ने जो स्टार्टअप योजना शुरू की है उसमें 22,000 जो है लोग ऐड हो चुके हैं, 2100 जो है वो लाभ भी ले रहे हैं। तो जो स्टार्टअप में मोदी जी की जो वो दे रही है स्टेट की और सेंटर की गवर्नमेंट, जो युवा है वो इंटरनेट के जरिए अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते? मैम आप क्या काम करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं आपका शो देखती हूँ और शो देखते देखते है ना मैं यहाँ तक पहुँच गई। पहला क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन है, आज मैं अपनी बात कहने का हक रखती हूँ। मैं हटाऊंगा नहीं। और मैं होमवर्क पूरा करके, ये कहते हैं मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। सना पे अटेंशन, मैं अपना होमवर्क, देखिए हल्ला नहीं मचाती है ये, सिर्फ मैं अपना होमवर्क करके आई हूँ एंड आई वॉन्ट टू आस्क 3 क्वेश्चन एंड प्लीज पे अटेंशन। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि परसों ट्यूसडे को ये कहा मोदी जी जो है अमेरिका के तलवे चाटते हैं, तो मोदी जी अमेरिका के तलवे चाटते हैं तो दिग्विजय सिंह जी और माननीय मनमोहन सिंह जी किसके तलवे चाटते हैं? तीसरा क्वेश्चन, जितने भी बाबा लोग हैं वो रेप के केस में गए हैं वो सब व्हाइट कपड़े पहनने वाले थे, भगवे जो लोग हैं जो भगवा पहनते हैं वो रेपिस्ट नहीं है, वो रेसिस्ट है, वो रेस लगाते हैं। चुप चुप। और तिरंगे में, और सुनो आपका भी जवाब दूंगी, मैं आपको भी जवाब देती हूँ, क्यों तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा है, तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा है, क्यों लगाया जब भगवा पहनने वाले रेपिस्ट है? तो महमूद प्राचा साहब कहते हैं कि मुसलमानों को मैं सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। एक मिनट चुप। नहीं है, सेल्फ डिफेंस में है, प्लीज है, मैं दे दूं, आपका मतलब नहीं है ना, प्लीज साइलेंट। चुप। महमूद प्राचा साहब को कहती हूँ, इस्लाम की औरतें खतरे में है, उन पर हलाला और 3 तलाक। थैंक यू सो मच। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड। प्लीज मनोज जी प्लीज। अता साहब, पूरे धार्मिक किताबों में जिसमें कुरान शरीफ भी शरीक है उसमें एक बात कही गई है और सबसे बड़ी चीज, और वो है सब्र। जिसके पास सब्र है उसके पास खुदा भी है जी, मुझे मालूम है। आह क्या बात है हुजूर अली, कैसे आना हुआ जी? है जी सर, बहुत दिन हो गए थे, आप याद नहीं कर रहे थे क्या? भले आप याद नहीं कर रहे थे, आगे साथ तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच साहब। बहस नहीं, देखिए ये जो आपने कुरान में कहा इन्नल्लाह मा साबरीन, खुदा जो है सब्र करने वालों के साथ है, जो सहन शक्ति जिनके अंदर है खुदा उनके साथ है, इसीलिए कहा। और हमारी संस्कृति में रहा है सर, कुरान की छोड़िए, आज हमारे ऊपर जो द्राविडियन के है, जो आर्यन हम पर इतने दिन आके हमला कर गए, वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत थी, सब्र करने का। आपने हमारा रास्ता रोका, हमने रास्ता बदल। जैसे पानी होता है, पानी का रास्ता कभी कोई नहीं रोक सकता, पानी जैसे ही जा रहा होगा उसके सामने कुछ और आएगा, वो इधर से रास्ता बना लेगा। हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकलेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन एक अवकाश सर, नहीं यू आर वेलकम, अब आप जाएंगे नहीं, आ तो यहाँ सकता है कोई अपने मन से, जाएगा मेरे हिसाब से ही।
तो अब आप यहाँ पे रुकेंगे। बस एक चीज आपकी जो बीच में बातचीत थी उसमें एक सेंटेंस था, और वो सेंटेंस था जब आर्यंस आए, तो इसमें हिस्टोरियंस अभी आपके ऊपर तमाम तरह से जुड़ जाएंगे, लोग कहेंगे हिस्टोरियंस कि आर्यंस आए नहीं, आर्यंस तो यही के थे। खैर मैं यहाँ पे नहीं जाता, बहस को बहस की तरफ रखेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही जो वॉट, लेकिन मैं कह रहा था कि ये जनता सिर्फ हल्ला नहीं मचाती, अपना होमवर्क करके आती है। जनता को कभी भी इस तरह से मत देखिया कि वो धोखे में है। ना हुजूर, आप होंगे धोखे में जी, ऑफकोर्स। ना नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, आऊंगा मैं, बिल्कुल आऊंगा। इधर से एक सवाल था जो, हाँ जी बोलो। संतोष गंगवार जी, मैं बिहार से चंपारण जिले से बगहा विधानसभा से आता हूँ। बगहा मैंने देखा जी, बोलिए। इन्होंने जो कहा कि स्किल के लेवल के, वहाँ उत्तर भारतीय जो होते हैं वो स्किल लेवल नहीं, उनका वैसा स्किल नहीं होता है कि जिनको रोजगार दिया सके, ये सरासर गलत बात है। सबसे पहले जो भारत सरकार को जो स्किल इंडिया चल रहा है पूरी तरह से फेल्योर है। वो जितना पैसे खर्च किए जा रहे हैं पूरी तरह से वो पैसे घोटाले में जा रहे हैं, सिर्फ बोर्ड लगा करके और स्किल के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। वो सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है, और इसका जो प्रतिफल होगा आने वाले 10-12 सालों में बहुत ही खराब देखने को मिलेगा। स्किल इंडिया में काम, यू कैन नॉट कैसे हैं, क्योंकि दिल्ली में जितने भी कुशल भारत के जो सेंटर चल रहे हैं, केंद्र चल रहे हैं, जरा उनकी हालत जाके देख लीजिए कितने। मैं सैफरन पे कुछ कहूंगा, ये सैफरन करके मुसलमानों को चैलेंज देते, मैं सैफरन मुसलमानों की नजर में क्या है? आप जिसे कहते हैं ना भगवा, हम सैफरन कहते हैं। पहले तो एक शेर कहूंगा, तेरा भगवा मेरा जाफरानी दोनों है एक, तो फिर फर्क क्या है? तू है हिंदू, मैं मुसलमान, दोनों है हिंदुस्तानी, तो फिर फर्क क्या है? अब दूसरी बात कहता हूँ, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, एक बार रुकिए, सैफरन से दस्तारबंदी होती है। और तीसरी बात कहता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ शादी ब्याह में भगवा पगड़ी दी जाती है, जाफरानी पगड़ी दी जाती है, जो शादी में, भात में, शगुन में, हर मुबारक मौके पे हम अपने सर के ताज की तरह बांधते हैं। हम वो सैफरन की बात करते हैं जो ये कर रहे हैं, वो सैफरन नहीं है। सैफरन के नाम पे भगवा को बदनाम मत करो, सैफरन के नाम पे भगवा को बदनाम मत करो, सैफरन हिंदुस्तान की, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो हमारा देश। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर समझ में आ गया कि लड़ाके कौन है। इधर तो सब अच्छे हैं, उधर जो खड़े हैं वो सब लड़ाके। इतना बोलते हैं नो, यू आर वेलकम, आप नहीं है, उनको कह रहा था। ये इतना बोलते हैं कि बोलते बोलते अता साहब भूल गए कि बोलना क्या था। इतना बोले जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये तो प्रोग्राम उन्हीं का है, तो कोई भी कभी भी कहीं भी आ सकता है हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मदस्सी जमा खान साहब मौजूद है, शांतनु गुप्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली साहब अर्थ शास्त्री हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाई राखी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम दाक आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी निरंजन पुरुषात आश्रम हरिद्वार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पुराने साथी और शो में आते रहे लेकिन बहुत दिनों बाद हज करने गए थे, उसके बाद वापस लौटे हैं, असद खान फलाही साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस तरह से आना कि आपके पास बोले ये तो शो चल रहा था बस मैं आ गया, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई राखी आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मुझे एक बात कहनी है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर लड़ते क्यों है पता नहीं, क्योंकि जब तक दिवाली के अंदर हमें अली दिखेगा और रमजान में राम दिखेगा हम साथ ही हैं। हमारा यहाँ टॉपिक और मुद्दा हिंदू मुस्लिम या भागवा कपड़े नहीं है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी। बहुत सारे घर में माएं आज भी दुआएं कर रही हैं, व्रत रख रही हैं कि बच्चे को जॉब मिल जाए। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो लघु उद्योग हैं उन्हें विकास करना चाहिए, जैसे पॉलिथिन बंद हो गए हैं, अब पॉलिथिन की जगह पर हम जो है पत्तल यूज करने वाले हैं, तो उन लोगों को अगर हम आराम से बैंक की तरफ से बुलाकर लोन दें जिससे लोग अपने घर में व्यापार शुरू कर सके तो काम मिलेगा। लेकिन लोन हम किसे देते हैं, जो जिनको पहले ही पैसों की जरूरत नहीं है उन्हें लोन देते हैं कि पैसा लो और लंदन अमेरिका भाग जाओ। छोटे जो लोग हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है उन्हें तो हम लोन देते ही नहीं, उनको तो हम इस रास्ते में रखते ही नहीं है। श्योर ऑफ कोर्स, मैं आई एम कमिंग। आज जो कदम उठाए गए हैं टैक्स के लिए, अभी हम बात भी कर रहे थे,
उससे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे वो निवेश करके और लोगों को रोजगार देंगी। जहां तक अभी राखी ने बात करी कि हम लोगों को लोन नहीं देते, अभी अनाउंसमेंट हमने सुनी होगी, 200 कैंप लगाए जाएंगे जहां पर बैंकों के, जहां पर लोन बांटा जाएगा। ये सबसे अच्छा था। देखिए, कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो आम आदमी की कंजम्पशन सीधे तरीके से नहीं बढ़ती है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके से बढ़ती है। पर लोगों की जेब में जब पैसा डाला जाता है लोन के माध्यम से या उनकी आय बढ़ाने से, तो सीधा सीधा उनके जेब में पैसे जाते हैं। और इस समय जो मंदी की दौर चल रही है, मंदी की दौर इसलिए है क्योंकि लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं है। जो ही जो जो कदम प्रतीक उठाए जाएंगे, जो डिमांड को बढ़ाएंगे, एकदम लोगों की जेब में पैसा जाएगा। कमिंग प्रतीक जी, आपको धन्यवाद, आपने इतने सेंसेटिव मुद्दा को उठाया है। देश के आजादी के बाद बेरोजगारी मैक्सिमम दर पे है। इन्हीं के मिनिस्टर कहते हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, संतोष गंगवार, कि उत्तर भारतीयों में दिमाग नहीं होता, कहा काबिलियत नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। निर्मला सीतारमण के लिए बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वित्त मंत्री को वित्त का नॉलेज ही नहीं है, तो समझ सकते हैं वित्त मंत्री क्या कर पाएगी देश के लिए। उन्होंने निर्मला जी के लिए कहा। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि मैं गलत हूँ कल से डिबेट में नहीं आऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वित्त मंत्री को वित्त का ही नॉलेज नहीं है। जो कहता है उस पर ध्यान रखा जाता है। मैं स्टैंड करता हूँ। देखिए ऋषि जी जो बोल रहे हैं, मुझे लगा भ्रमित हो गए और बहुत लेट आए हैं, इसलिए हड़बड़ा गए। देखिए, नरेंद्र मोदी वो है जो कहते हैं वो करते हैं, और ये कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए हुए। आज निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की, कॉरपोरेट क्षेत्र में जो टैक्स कम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बैंकों का विलय किया, 10 बैंकों से चार बैंकों को मैं लेके आए, 70 हजार करोड़ रुपए लिक्विडिटी बैंक को। तो निश्चित रूप से ये बताइए कि जो एनपीए कम हुआ है, तो 9% हुआ है, जो पहले 11% था। देखिए, 76 हजार करोड़ का जब मीडिया ने, अच्छा ये एक तरीका, ये एक नया ट्रेंड चल चुका है सारी डिबेट में, कि जब बोलो तो उसके ऊपर कूद जाओ, बोल नहीं ना। दिस इज नॉट टॉपिक। देखिए, जो भी आपको यू विल गेट, देखिए जो भी निर्मला सीतारमण जी ने जो किया घोषणा कर रही है, वो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों को रोजगार, जो जिनके रोजगार छिन गए हैं। ऑटो सेक्टर का आप देखिए, शेयर मार्केट में आप देखिएगा उनके शेयर बढ़ गया है। ऑटो मार्केट बैंकिंग का 2000 जो अंक का उछाल आया, वो निश्चित रूप से सराहनीय। और देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भी हो रहा है ये कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोई है। जो यूपीए सरकार में एक चलता था महंगाई डायन हाई मारी जाए, आज इन्फ्लेशन रेट 3% है, आज फिस्कल डिफिसिट 3% है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या समझता है सर? ये हाहाकार इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि इनको हर चीज में नुक्स निकालना है इनको। आज GDP 5% है, पिछले वर्ष इसी तिमाही में 8% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 12% 0.6 आ गया। कृषि विकास दर 2% पे आ गया। ये बच्चे के मुँह से आपने पार्ले जी छीन लिया है, 5 रुपए का पार्ले जी छीन लिया, ये आपका ये पार्ले जी कंपनी ऑलरेडी डिनाई कर चुके हैं। और देखिए, 2014 के तिमाही में आपको जाना चाहिए, वहाँ पर भी GDP कम, चुनाव के जो पहली तिमाही होती है उसके अंदर GDP में उतार चढ़ाव आता है। आता जी रुकिए, मेरे 10 सर नहीं है, मेरे एक ही है। देखिए, शेयर मार्केट की बात जरूर करनी पड़ेगी, 2000 पॉइंट आज बढ़ी है, पर हम ये ना बोले कि देश का खाली 5% आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बाकियों के लिए शेयर मार्केट बढ़ना किसी काम का नहीं है। जो काम का है अब ये है कि 93% जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं, जिसमें किसान भी आते हैं, उनके लिए भी इतना ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। खाली शेयर मार्केट के उछाल से हमारा किसी का पेट भरने वाला नहीं है। 5% लोग, केवल 5%। मैं आया। पहले जो राजनीतिक विश्लेषक जो पहले बोल रहे थे कि गवर्नमेंट शांतनु हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में मस्त 2% जॉब है, गवर्नमेंट कितना जॉब प्रोड्यूस करेगी? गवर्नमेंट के पास जो वैकेंसी है वो तो फुलफिल कर नहीं रही है। 2% आप 2% शांतनु, एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑफकोर्स ये सवाल पीछे जा, पाजी जा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो ऑफकोर्स दूंगा मैं, जो सवाल है वो ये कि जो गवर्नमेंट के पास जो रोजगार है,
जो वांट्स हैं उन्हें, उनमें जो वैकेंसीज हैं उन्हें भरा जाए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल के, क्योंकि वो मोबिलाइज करेगा। और सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन इसको लेकर बहुत ज्यादा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, ऑल ओवर इंडिया की जो समझ जी, ऑल ओवर ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल है जी। और वो जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि हम स्किल्ड लेबर की तरफ बात कर रहे हैं, कि स्किल बढ़ा रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। सर आज के डेट में ना हम जीडीपी का बस 5% एजुकेशन पे खर्च करते हैं, जबकि वर्ल्ड का लेवल 7% है। हम तो एजुकेशन पे सही से खर्च नहीं कर रहे हैं, तो हम स्किल की कहां बात करेंगे सर। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं मोदी जी सर, हम सर 5% हेल्थ का सेक्टर है कि जीडीपी का वर्ल्ड करता है, बस इंडिया 2% कर रही है, अभी 3% आ गए हैं। जी हेलो सर, मैं बात करना चाहूंगा, युवा बेरोजगार है, लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ताकत हिम्मत जोश युवाओं में ही होता है और युवाओं के लिए कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप हर जगह नौकरी है, हर जगह काम है और लोगों को काम दे सकते हो। मैं खुद रहता हूँ। कहाँ से हो भाई? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। बुलंदशहर का आदमी बड़ा मजबूत होता है भाई। ठीक, शांतलू ऑफकोर्स मैं ऑफकोर्स यू विल गेट बिल्कुल ठीक है। भले ही सरकार में नौकरियां कम हो, लेकिन सरकार को अपनी नौकरियां भरनी चाहिए और वो काम हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकार संभाली तो पुलिस में 3 लाख पद थे, लेकिन केवल 1.5 लाख भरे थे सपा बसपा की सरकारों में। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 75,000 भर चुके हैं। तो बिल्कुल, जितने भी युवा यहाँ पे अपने अपनी राज्य सरकारों पे, ये देखिए जॉब है कहाँ पे, केंद्र सरकार पे बहुत कम जॉब है, सारे जो जॉब है वो राज्य सरकारों के पास है। जितने भी युवा हैं उनको दबाव डालना चाहिए अपनी अपनी सरकारों पे, जो यूपी में हुआ है, यूपी में 75,000। देखिए अगर आप योगी जैसा नेता चुनेंगे तो काम अपने आप हो जाएगा, अगर आप कपिल सिब्बल जैसे वो नेता बनाएंगे तो फिर तो मंदिर का केस भी 2019 के बाद ले जाएंगे। मैं आ रहा हूँ जी। सर मेरा मैसेज है मोदी जी तक और मीडिया तक पहुंचा दीजिए। एक मिनट जरा होल्ड ऑन कॉम्रेड, गुस्सा होने के दरमियान नो, मेरा मैसेज है ना मोदी जी तक और मीडिया जी तक पहुंचा दीजिए। मीडिया तो ये है मोदी जी तक पहुंचा के इनके बाद दे। हाँ तो मुझे न्याय चाहिए और मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। मेरे ये पति है। अच्छा मैं समझ गया ये मसला क्या है। देखिए प्लीज माँ मेरी बात सुनो माँ, मेरी बात सुनो। क्रिमिनल केसेस में मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, जो इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग वाली प्रोसेस है, मैं मीडिया पे ट्रायल नहीं हो सकता। माँ मेरी बात सुनो, मैं माँ कह रहा हूँ इसमें बात सुन सकता हूँ, लेकिन ये जिसमें रिपोर्ट है, FIR है, क्रिमिनल केस है किसी के, वो मीडिया पे बात ट्रायल नहीं हो सकती। हाँ कोई समाज से जुड़ा कोई मसला हो जरूर, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास। प्रधानमंत्री ह्यूस्टन के लिए जाएंगे और बड़ा प्रोग्राम है, तमाम सारे विरोधियों ने उसके बारे में भी बात बोलना शुरू किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश में कोई बोलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका अपना अधिकार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का हुआ पढ़कर कि पाकिस्तान उस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी अपने तमाम चौतरफा सारे इरादे वहां पर पेश कर रहा है, उसके लिए फंड इकट्ठा हो रहा है बाकायदा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को किसी तरह फेल किया जाए। ये बेहद दुखद बात है। जी नहीं वो अता साहब, कभी कभी समझने में यही फेर होता है, अगर यहाँ कहना समझ में आया तब भी यही होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ पे जो मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, रोजी रोजगार और तमाम रोटी की बात को लेकर मैंने तमाम हिस्से में बात की, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात शांतनु ने कही उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर एलाबरेट करना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं और जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको युद्ध स्तर में फौरी तौर पे उनका फैसला होना चाहिए, जो चाहे वो कोर्ट में हो, अगर वो कोर्ट में पेंडिंग है या वहां पर लंबे समय से, तो प्लीज गवर्नमेंट को अपने वकील को फौरी तौर पे तैयार करना चाहिए और वहां पर जवाब लगवाना चाहिए और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नौकरियों को लेकर युवा प्लीज अरे रुको कॉम्रेड, सवाल इस बात का है कि जो युवा है वो इस बात से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि उसने एग्जाम 2017 में दिया है, 2019 आ गया है लेकिन पेंडिंग है या तो कोर्ट में है, तो इस पर फैसला तुरंत और फौरी तौर पर एक टाइम टेबल गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्चुअली, कि ये फैसला अब तक आना चाहिए और कोर्ट पे भी, क्योंकि कोर्ट का भी जो आप बता रहे ना कि अगर जस्टिस डिले
वाली बात जो आप कह रहे हैं बहुत देर से, वो भी बात है। तो कोर्ट को इस पर तुरंत फौरी तौर पर फैसला लेना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक सज्जन यहाँ बहुत देर से खड़े हैं जो कि अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, सरहद के चौकीदारों की बात भी की जाए आपके माध्यम से, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और उसमें जो हमारे केंद्रीय और सैनिक बलों की जो सीपीसी कैंटीन है जीएसटी के कारण आज बंद होने के कगार पे मार्केट रेट पे आ गई है। ये चिट्ठी है 29 जून 2017 की जो माननीय राजनाथ जी हमारे गृह मंत्री थे उन्होंने लिखी, उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि सब डीजी भी लिख चुके हैं कि केंद्रीय और सैनिक बलों के लिए एक बड़ी बात होगी अगर सरकार सीपीसी कंटेन पर जीएसटी का तोहफा दे, तो इस साल सरहद पे और भी दिवाली मने और जय जयकार हो। बहुत बढ़िया। मैंने हमेशा अर्धसैनिक बलों के लिए, सेना के लिए हमेशा यहाँ पे जो भी हो सकता बन पड़ा वो मैंने कहा है, लेकिन एक वाक्य जो आखिर में आज आप बोले उस पर मैं थोड़ा सा, जी मुझे मालूम है आपने पकड़ ली वो बात, मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फैसला तुरंत हो जीएसटी को लेकर, अर्धसैनिक बलों की कैंटीन को लेकर, लेकिन अर्धसैनिक बल और सेना सिर्फ इसलिए रुकी रहेगी यहाँ दिवाली नहीं मनाएगी ये मैं नहीं मानने को तैयार है। वो बड़े बड़े बहादुर और बड़े कामगार लोग हैं। जी थैंक यू सो मच। जी बात का बाबू जी ने बात करी अर्धसैनिक बलों के लिए, आपने जीएसटी की बात करी, ये सच है कि कैंटीन पे सामान अर्धसैनिक बलों को सस्ता मिलता था पहले, जीएसटी के बाद महंगा मिलने लगा। पर क्या ये जानते हैं कि कुछ जगह, सब जगह नहीं, कुछ जगह कुछ सिविल लोग जो कि सैनिक बलों के नहीं थे उस कैंटीन के नाम पे सामान खरीद रहे थे, इस वजह से उस पर जीएसटी लगाया गया। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी प्रतीक मेरी नॉलेज में है जो आम आदमी अपने रेफरेंस के थ्रू, जान पहचान के थ्रू वहां से सामान खरीद रहा था, परंतु इनकी बात सच है कि अर्धसैनिक बलों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, उसको सामान आम आदमी से सस्ता मिलना चाहिए, बिल्कुल सस्ता मिलना चाहिए। सर मुझे मालूम है, देखिए मैं मुझे मालूम है कि ईमानदारी से अवकाश सर गेहूं और घुन की कहावत मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो ईमानदार लोग हैं उनको परेशान होना उठाना पड़े। जी जी कृषि और शिक्षा का ये हाल है, मैं आपके ही प्रोग्राम में बिहार का मुद्दा उठाया था कि 3 साल के डिग्री 6 साल में मिलता है, तो बच्चे क्या अपने जिंदगी में कर पाएंगे जो 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री 6 साल में मिलता है। और जहां तक अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रही है, आपको प्रतीक जी मालूम है विदर्भ में क्या हो रहा है, 6-6 किलोमीटर चल के पीने की पानी लाई जा रही है इस बीजेपी सरकार में। किसानों का क्या हाल है, कृषि विकास दर कितनी गिर गई है। आप स्वामीनाथन आयोग कब रिकमेंड करते हैं जब आप चुनाव में जाने को होते हैं, तो कैसा छलावा है, कैसा मजाक है, कैसा मजाक। शांतनु जी शांतनु देखिए, इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन का नाम लिया। स्वामीनाथन कमीशन ने अभी पिछले ही साल टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा लेख लिखा था और मोदी सरकार की पॉइंट तारीफ करी थी। अगर पहली बार किसी ने कृषि में बड़ा काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। देखिए आप देखिए डिबेट में आते हैं, बड़ा चैनल है, कोई यूट्यूब का चैनल नहीं, कम से कम रिसर्च करके आनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हमारा जो मुद्दा शुरू हुआ था नौकरियों से हुआ था, वो सैफरन और कहीं चला गया। मैं फिर से अपनी बात को रखूंगा, सरकारी नौकरियां केवल 1.5 से 2% हैं, बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर है। सरकार पिछले 6 साल से कोशिश करी है किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को और आसान बनाया जाए, लोन ज्यादा दिए जाएं, लोन रिकवरी आसान हो, उनकी रैंकिंग्स बढ़े। लेकिन शांतनु एक काम तो कर सकती है सरकार का जो काम है, मैं मान लिया कि नौकरियां नहीं है, लेकिन माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन, ये तो हो सकता है ना। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतीक भाई जितना काम पिछले 6 साल में हुआ, जितनी सड़कें, जिस किलोमीटर से सड़कें बनी हैं, जितने एयरपोर्ट नए बने हैं, वो आपको भी दिखता है। आप जब सड़क पर निकलेंगे, आप लोग सड़क पर रहते हैं, आपने देखा होगा 6 साल पहले जो हाईवेज थे, जो आर हाईवेज हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, मैं एक बात बताऊं, वैसे मैंने पिछली सरकार में देखा कि कुछ नए काम हुए थे, मेट्रो आई थी, वैकेंसी निकली थी, टीटीसी आई थी, वैकेंसी निकली थी। भाई को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक, आपने स्टेट गवर्नमेंट यूपी को कहा था, मैं आपसे बताऊँ मैंने अभी तक किसी नेता का मोटिवेशनल भाषण देखा ही नहीं है कि वो युवाओं को प्रेरित करें। मैंने हमेशा उनको सांप्रदायिक और लड़ने वाले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाले ये नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है, और 22 फसलों पर डबल किया गया है, और देखिए भाई मैं 1.5 गुना किया गया है एमएसपी, और प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के तहत प्रत्येक सम्मान किसान योगों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने किसानों का हित में सोचा है। कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो कमी की गई उसे सरकार ने कहा 3-4 फायदे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेक इंडिया जो है उसको बूस्टअप मिलेगा,
दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो भारत की ओर आकर्षित होंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए जो है अवसर और बढ़ेंगे। ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको कि यहाँ पे कहा गया। लेकिन मैं एक 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 शख्स से मैं पूछ के आ जाऊँ, फिर मैं शरद आई एम कमिंग टू यू, जस्ट अ वेट वेट अ मिनट। या सर, वो भाई ने बताया था कि युवा कुछ भी कर सकता है। भाई मैं तीन बार मेरिट लिस्ट में छटा हूँ, दो नंबर से। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। क्या जनरल का ये 10% आरक्षण जो है, एक बार सर, 10% आरक्षण में कितना नंबर का फर्क पड़ता है ये बताओ। जनरल का लड़का 23 साल में बूढ़ा पड़ जाता है, 23 साल का लड़का, जहाँ जनरल का 23 वर्ष में बूढ़ा पड़ जाता है क्या? मैं तीन बार में मेरिट में छटा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हो बेटा? अभी मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ सर, 10,000 का दिल्ली में जॉब करने आया हूँ, अभी बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से हो? मैं नवादा से हूँ सर। ये तमाम सारे इश्यूज हैं जिनको कि एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी। बेटा नीचे, पेड़ लगा हुआ नीचे, प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन। ठीक, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां भारत आना चाहती थी या निवेश करना चाहती थी, नौकरियां देना चाहती थी, पर क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा था इस वजह से वो नहीं आती थी। और एक आप कहें तो एक लाइन हाउडी मोदी पे मैं बोल दूं, हाउडी बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे हाउडी हाउडी है क्या। पश्चिमी अमेरिका में हाउ आर यू डूइंग को हाउडी बोलते हैं। और मोदी जी का जो ट्रंप जी से मिलना है, उसने हमारे सामान को आना वहां बंद कर दिया था, ड्यूटी बढ़ा दी थी हाउडी की वजह से। अगर ये समझौता हो जाता है, सबसे बड़ा हाउडी का सक्सेस माना जाएगा। आप अपने ही प्रोग्राम पे मैं आ रहा हूँ, सलाम वालेकुम। मैं क्या अच्छा होता कि आप नीचे हमारे प्रोग्राम में आकर बैठी होती है, प्लीज चढ़ा वहां पे खड़े पेड़ लगा हुआ बीच में। वैसे आप सुंदर लग रही हैं, लेकिन नीचे आ जाए तो और अच्छा लगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने ही प्रोग्राम में चुन चुन झा का सब्जेक्ट उठाया था, चुन चुन झा खड़े हैं बेचारे, आज भी वित्त मंत्रालय में अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। एक हफ्ता पहले आप ही के प्रोग्राम में आए थे, आपने जोर शोर से उठाया था। चुन चुन झा से पूछिए क्या आपको वित्त मंत्रालय में अपॉइंटमेंट मिली है, तो गरीबों को कहाँ सुना जाता है। और शास्त्री साहब, गरीबों को बात कीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि पिछले में सारा गरीबी आप दूर करके आ गए, इसीलिए सत्ता दिया गया था। देश को लूटने वाले हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है। देश को जिन्होंने 10 साल तक लूटा वो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे अर्थव्यवस्था चलानी है। देखिए, मैं जनता यहाँ जनार्दन खड़ी हुई है, मैं जनता से निवेदन करूंगा। देखिए, देश को, जनता को ये भी समझना चाहिए कि जो नौकरियां वो सीमित है, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। इस देश को 5 ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी अगर हमें बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होगा, अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे। प्रतीक, 100 कमियां है यहाँ, मान लिया 100 कमियां है, पर क्या मोदी जी की मंशा पे कोई शक करता है? जो भी कदम उठाए गए हैं वो देश के फायदे के लिए उठाए गए हैं, कमियां जरूर हैं। पर क्या बात है, मैं हड़ी हड़ी हम सबके सामने सड़िए। मैम, आपने कहा क्या क्या कहा आपने? बिल्कुल जी, मोदी जी को तो विदेशों से घूमने से फुर्सत नहीं है, तो वो यहाँ अपने देश के लिए क्या करेंगे? सही बात है, ठीक है। एनीवे, तमाम सारी जनता है, तमाम सारे पॉइंट है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना मुद्दे की बात से बीजेपी और कांग्रेस दोनों भटक जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस पर लांछन लगाती है, कांग्रेस बीजेपी भी, यहाँ देश की बात कोई नहीं करता। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक पार्टी की आते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि नौकरी क्यों नहीं है, आपने 70 साल ये किया, आपने 5 साल ये किया, आप अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्यों नहीं जीते? ये दोनों पार्टियाँ पास्ट में क्यों जीती है? कॉम्रेड, मैं तुमको हमेशा सुनता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, और तुम्हारी बात को कभी नहीं टालता। कितने दिन हो गए सर? कोई ऐसा थोड़ा, रोज दवा थोड़ी ना, तुम्हारी दवा महीने में एक ही बार दे दी जाइए, वो वाली दवा है जी। सर देखिए, 70% बैंक करप्ट हैं, मोदी जी की बात आप कर रहे थे अभी, 121% फीसदी बढ़ोतरी हुई है नकली नोटों में 500 के, और बेरोजगारी 8.5% मोदी जी छापते हैं क्या? अरे आपकी नोट बंद, मोदी जी छापते हैं क्या? नोट बंदी सरकार छापती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ वन क्वेश्चन, जनता भी खड़ी है, सब बताए, कौन सा टैक्स ऐसा है जो बचा है, कौन सा स्टाम्प ऐसा है जो बचा है? एक तो कम कर दिए, 70 टैक्स से 1 टैक्स कर दिया गया। देखिए, मैं सबसे कहूंगा अफवाहों से बचें, भारत के फंडामेंटल्स फाइनेंस के बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा फॉरेन रिजर्व है, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन टाइट है, मंदी पूरे विश्व में आ रही है, जर्मनी और मेक्सिको जैसी इंडस्ट्रियल कंट्री रिसेशन में है, मंदी का दौर है, उभरेगा पूरा। रुकिए, ऐसा है कि 2 दिन रेस्ट करिए, मंडे को फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे, श्यामला बना के आइए। चुनौन मुझे याद है, लेकिन आज अभी बस सर्वेदना, मंडे को फिर होगी मुलाकात।